हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज का इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर आप Realme C25s, Realme C25, Realme Narzo 50R, Realme X50 Pro, Realme 8s, Realme 7 यूज करते तो वीडियो को एंड तक बने रहे। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि Realme UI 3.0 का जो अपडेट है मार्च मंथ में अभी तक किन किन डिवाइसेस में अभी तक देखने को मिल चुका है, इस वीडियो में आपको फुल जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इस कारण दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। दोस्तों, आज से दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर में वीडियो बनाने का। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक बने रहे। चलिए मैं बता देता हूँ कि Realme UI 3.0 का अपडेट है किन किन डिवाइसेस में अभी तक देखने को मिल चुका है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ Realme C25 के बारे में। अगर आप Realme C25 यूज करते हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। Realme C25 में दोस्तों Realme UI 3.0 का जो अपडेट है रोल आउट कर दिया गया है। 22 मार्च को ही दोस्तों रोल आउट कर दिया गया है। आपको दोस्तों Realme UI 3.0 का अपडेट करने से पहले दोस्तों आपको क्या क्या बातों पर ध्यान रखना है। आपको मोबाइल में 60% प्लस बैटरी होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आपको 5GB इंटरनल स्टोरेज खाली भी होना जरूरी है, तभी आप Realme UI 3.0 का अपडेट है करें। इससे पहले अगर कर दोगे तो दोस्तों आपको मोबाइल डैमेज हो सकता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। 60% प्लस बैटरी होना जरूरी है और दोस्तों 5GB इंटरनल स्टोरेज खाली होना जरूरी है, तभी आप Realme UI 3.0 का अपडेट करना होगा, नहीं तो आपको मोबाइल डैमेज हो सकता है। दोस्तों, लास्ट में बताऊंगा दोस्तों Realme UI 3.0 करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, फॉर्म को कैसे भर सकते हैं वीडियो को एंड में बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं Realme Narzo 50A के बारे में। अगर आप Realme Narzo 50A यूज करते तो दोस्तों Realme UI 3.0 का जो अपडेट है मार्च मंथ में रोल आउट कर दिया गया। इसमें दोस्तों आपको लेटेस्ट वर्जन क्या देखने को मिल जाएगा। 22 मार्च को दोस्तों आपको रोल आउट कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों आपको 60% प्लस बैटरी होना जरूरी है, 5GB इंटरनल स्टोरेज खाली भी होना जरूरी है, तभी आप इसको अपडेट करें, नहीं तो दोस्तों आपको मोबाइल डैमेज हो सकता है। इसके लिए दोस्तों आपको एक फॉर्म भरना होगा, फॉर्म को कैसे भर सकते हैं दोस्तों वीडियो को एंड में बताऊंगा, वीडियो को एंड तक बने रहे। अब बात कर लेते हैं तो Realme C25s के बारे में। अगर आप Realme C25s यूज करते तो आपके लिए भी बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। Realme UI 3.0 का जो अपडेट है मार्च मंथ में रोल आउट कर दिया गया। इसमें आपको क्या क्या आपको बातों पे ध्यान रखना है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। 60% प्लस बैटरी होना जरूरी है, 5GB इंटरनल स्टोरेज खाली होना जरूरी है, तभी आप Realme UI 3.0 का अपडेट है करें। अब फॉर्म को कैसे भरना है दोस्तों, वीडियो को एंड में बताऊँगा, वीडियो को एंड तक बने रहे। अब बात कर लेते हैं Realme 8s 5G के बारे में। अगर आप Realme 8s 5G यूज करते हैं तो Realme UI 3.0 का जो अपडेट है रोल आउट कर दिया गया है। इसमें आपको दोस्तों आपको भी 60% प्लस बैटरी रखना है, 5GB इंटरनल स्टोरेज खाली रखना है, नहीं तो इससे पहले अगर Realme UI 3.0 का अपडेट कर दोगे तो आपको मोबाइल डैमेज हो सकता है, तो हमेशा इसीलिए दोस्तों आपको 60% प्लस बैटरी होना जरूरी है, 5GB इंटरनल स्टोरेज खाली होना जरूरी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप Realme UI 3.0 का अपडेट करने के लिए दोस्तों आपको एक फॉर्म भरना होगा, फॉर्म को कैसे भरना है दोस्तों वीडियो को एंड में बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं Realme X50 Pro के बारे में। अगर आप Realme X50 Pro यूज करते हैं तो मार्च मंथ का दोस्तों अपडेट है रोल आउट कर दिया गया Realme UI 3.0 का अपडेट। इसके बाद दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये 21 मार्च को दोस्तों आपको रोल आउट कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या बातों पर ध्यान रखना है। 60% दोस्तों आपको बैटरी होना जरूरी है, 5GB इंटरनल स्टोरेज खाली होना जरूरी है, तभी आप Realme UI 3.0 का अपडेट है करें, नहीं तो आपका मोबाइल डैमेज हो सकता है। अगर दोस्तों Realme UI 3.0 का अपडेट करना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना होगा। चलिए मैं बता देता हूँ कि आप फॉर्म को कैसे भर सकते हो। फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, चलिए मैं बता देता हूँ। फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, मोबाइल का जो सेटिंग है ओपन कर लेना है। मोबाइल का जो सेटिंग जैसे ओपन करते हैं दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, अपने आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट पर आपको चल जाना है। सॉफ्टवेयर अपडेट पर जैसे क्लिक करते हो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेटिंग का। सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग पर जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में देखने को मिलेगा ट्रायल वर्जन का। ट्रायल वर्जन पर जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों आपको यहाँ पर एक फॉर्म देखने को मिलेगा, जीमेल से या नंबर से वेरीफाई कर देना। कुछ देर में दोस्तों आपको अप्रूव हो जाएगा, आप आसानी से Realme UI 3.0 का अपडेट है कर पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको पता चल चुका है कि Realme UI 3.0 का जो अपडेट है किन किन डिवाइसेस में अभी तक रोल आउट कर दिया गया है मार्च मंथ में। Realme 7 के बात करें दोस्तों, Realme 7 में भी मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। मार्च का जो अपडेट है Realme 7 में Realme UI 3.0 का अपडेट मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और किन किन डिवाइसेस में अभी तक मिल चुका है इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको पता चल चुका है। दोस्तों ये अपडेट दोस्तों अभी कुछ ही यूजर को देखने को मिलेगा, वो आप सेटिंग में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर आउट कर सकते कि मुझे फॉर्म भरने का ऑप्शन मिला है कि नहीं मिला है। अगर मिल गया तो दोस्तों आपको Realme UI 3.0 का अपडेट है मिल चुका है, अब फॉर्म को भर के अप्लाई कर सकते हो Realme UI 3.0 का अपडेट के लिए।
वीडियो पसंद आए दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं दोस्तों वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मोबाइल में कुछ भी प्रॉब्लम मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।